नमस्कार दर्शक बंधु बिजनेस ओडिशा को स्वागत करछु मु राजेश आरंभ करबा हमर इन्वेस्टमेंट गुरु सेगमेंट म्यूचुअल फंड ये ना तो आपण निश्चय सुनिथिबे अनेक समय आमे हम शो रे याकु ने के आलोचना करिछु कि तथापि ये ना सुनिले आमे समस्या टिके डरी जाऊ एवं अनेक बुझि पारंतनी जे प्रकृति रे म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्ट कले लॉस हे जबनी त ये बहुत अधिक रिस्की नहे प्रकृत कथा होची म्यूचुअल फंड दुनिया को आसीची एथि पई जे जटिल को टिके सहज कर परबे एवं समस्या समाधान कर परबो सेथि पई आमे आज म्यूचुअल फंड रे एबीसी रे जाडीबा हम सहित अछंती सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर धरंजय बांठिया श्रीयुक्त बांठिया स्वागत करछु ओटीवी को श्रीयुक्त बांठिया कह जाए सब बेले म्यूचुअल फंड जते लेखा थाए कि जिते टीवी आड भी आसुए आम देखू म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क या एक्सप्लेन करंतु प्रकृति ये कौन आजिका डेट रे आम टीवी गोटे आड देखु म्यूचुअल फंड सही है तापर गोटे डिस्क्लोजर थाए कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क आज एन इन्वेस्टर जितने पर्टिकुलर आम कोटेसन देखु आम भावुँ कि आ भर मार्केट रिस्क अच्छी आम भर पैसा इन्वेस्टमेंट कर नुहे किंतु जनरली ये जो पर्टिकुलर मार्केट रिस्क है दीटा वर्ड गोटे मार्केट गोटे रिस्क जनरली पीपल भावती कि रिस्क माने लॉस किंतु एक्चुअल टर्म रे रिस्क माने हला अनसर्टेनिटी आपको पैसा कमी भी पारे बढ़ी भी पारे सिचुएशन हिसाब रू और सेकंड हला मार्केट मार्केट माने जो आमर जो इकोनॉमिक सेटअप जहाँ भितर बिजनेस ऑपरेट करे दैट इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट रिस्क कि तार अलग अलग कंपोनेंट थाए जमती हला आपनकर इन्फ्लेशन रिस्क इंटरेस्ट रेट रिस्क क्रेडिट रिस्क तो अलग अलग रिस्कटा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को टच करे बेस्ड ऑन द गोल स्पेसिफिक जो आम इन्वेस्टमेंट आम प्लान आउट करछु तो जो माइंडसेट अच्छे ना म्यूचुअल फंड सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क आमको मार्केट रिस्क बुझिया कंपलसरी कहीं से हिसाब से प्लान करें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कौन हवा दरकार म्यूचुअल फंड रे ओके ताले जने निवेशक को धरणर बा को कैटेगरी फंड किनबे सेटा डिपेंड करे तांकर दि तीनटा फैक्टर ऊपर प्रथम हैला तांकर टाइम फैक्टर सेकेंड हैला तांकर फाइनेंशियल गोल और थर्ड हैला तांकर रिस्क एपिटाइट जमती फॉर एग्जांपल भावंतु गोटे इन्वेस्टर चाहते इन्वेस्ट करने फॉर ए पीरियड ऑफ 15 to 20 इयर्स तो से जगह गोटे जो अच्छी इक्विटी फंड ऑप्शन गोटे भल ऑप्शन हो पाए कारण है कौन इक्विटी शॉर्ट टर्म रे वोलेटाइल थाए किंतु आपन जो हिस्टोरिकल डेटा देखिए ओवर ए पीरियड ऑफ 7-10 इयर्स जो माने हिस्टोरिकल जो इन्वेस्ट करछंती दे हैव मेड हैंडसम मनी जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न जनरेट बहुत भल होइछ जहाँकि गोल शॉर्ट टर्म जैसे फॉर एग्जांपल मु इन्वेस्ट करिया चाहूँ 2 वर्ष मो कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट से जगह अलग कैटेगरी अच्छे डेट कैटेगरी है आमर सेकेंड है आपंकर इफ द रिक्वायरमेंट इज फॉर से आपंकर 3 मास 6 मास से आम लिक्विड कैटेगरी तो आपंकर टाइम फ्रेम आपंकर इन्वेस्टमेंट गोल आपंकर रिस्क एपिटाइट ए तीनटा कॉम्बिनेशन डिसाइड करियो कि आपंको को पैटर्न इन्वेस्टमेंट करिया ता भीतर दरकार ओके श्रीयुक्त बांठिया मार्केट रिस्क कौन केवल म्यूचुअल फंड को प्रभावित करता है मार्केट रिस्क बर्तमान आप देखिए सबू इन्वेस्टमेंट एसेट रे एप्लिकेबल अच्छी जमती कि फॉर एग्जांपल गोल्ड आम जो गोल्ड आज इन्वेस्टमेंट करूँ काली तार रेटा सेम न हो पाए कमी ही पारे बढ़ी पारे तो समटाइम्स गोल्ड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क सेकेंड है आपंकर रियल इस्टेट आम जो प्रॉपर्टी या रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट करूँ ता भितर गोटे मार्केट रिस्क कंपोनेंट अच्छी लिक्विडिटी रिस्क ता माने कौन भावतु मो पाखे रियल इस्टेट अच्छी और मत अर्जेंट पैसा दरकार जिते मुझे सेलअप करवाक चाहूँगी से मत एवेलेबल मिले जनरली बायर्स तो से जगह मोर जो पैसाटा लिक्विडिटी केमती कन्वर्ट हम से गोटे रिस्क था रियल इस्टेट रे तो रियल इस्टेट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू सम काइंड ऑफ मार्केट रिस्क आपंकर जो सेविंग अकाउंट रे जो पैसा रोची से आप बर्तमान पाँच 3.5 to 4% किंतु प्रति वर्ष आम जो इन्फ्लेशन फैक्टरटा जो आम मुद्रास्फीति कहूँ से आपको देखिए ऑन एन एवरेज 5 to 6% तो मो रिटर्न पाँच 4% किंतु मोर इन्फ्लेशनटा अच्छी 5 to 6%। तो बांठिया जड़े म्यूचुअल फंड रे पैसा लगेछि आ धरि नंतु 4 to 5 वर्ष पई लगेछि आ सेते बेले जदी मार्केट रो स्थिति बेस खराब ताहले तार तो लॉस हिजबा ना नहीं मैडम जते बेले आपण इन्वेस्टमेंट करूचंती मु आपन कहले कि इक्विटी रिलेटेड रे इन केस आपण इक्विटी रे करले मार्केट खराब हेले 4-5 वर्ष परे आपनको रिस्क टिके लॉस हेई पारे किंतु इफ इनकेस आपन चाहे से जगह डेट फंड या लिक्विड फंड इन्वेस्टमेंट करछंती सेटा इक्विटी मार्केट मूवमेंट डिपेंड करनी कहीं जितने जो मार्केट रिस्क अलग अलग सेक्टर से कॉलम थाए आपंकर इक्विटी रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क है आप क्रेडिट रिस्क है तो जो इक्विटी मार्केट रिस्क था आपंकर डेट फंड्स और लिक्विड फंड से इंपैक्ट हुए नहीं तो आपन को पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट रे इन्वेस्ट करछन से जगह से रिस्क रिलेटेड जमती लोक ने आपन टीवी रे ऐड देखते कि जड़े म्यूचुअल फंड 1 डे पे भी पार्क कर पारती दैट मीन्स से लिक्विड फंड रे इन्वेस्टमेंट हो गवर्नमेंट बॉन्ड रे तो आपन से स्टॉक मार्केट दा रिस्क भीतर थाई नहीं ओके हम आज कथा होचे जतले म्यूचुअल फंड उपरे तो फाइनेंशियल प्लानिंग रे म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्ट करबा अर्थात निवेश करबा केते गुरुत्वपूर्ण Financial planning is an important term. Generally, in today's date, people do investment without any goal. Meaning, a particular investment which starts, its purpose is fixed. For example, if child education investment, if we fix it, we require for child education. So in case we have time frame goal 15 years child education, equity category will be a good option. But if we have time frame second time, that time frame is 2 years or 3 years, we will see balance category. Balance means equity or debt combination. So for example, if market fluctuates, debt support. So balance category can be a good option. And if our time frame less than 2 years, we will see debt category, which means market based risk. In the sense, market risk in the sense, equity market risk. Generally, upon interest rate risk, credit risk, सब इंस्ट्रूमेंट थाए, जोटा कि अपन डेट कैटेगरी आसे, किंतु जो स्टॉक मार्केट जो अपने फ्लक्चुएशन करो ना, लोगों ने जो भाव चंते कि म्यूचुअल फंड इज स्टॉक मार्केट, से स्टॉक मार्केट रिस्क इज नॉट एसोसिएटेड विथ डेट फंड्स, तो सेटा गोटे तांको एडवांटेज है फॉर ए सर्टेन एवेन्यू, तो अपन को गोल हिसाब रो अपन प्लान करंतु कि अपन कोन दकर से हिसाब रो अपन गोटे भलो प्लान आउट करि परिबे किंतु जे 4-5 वर्ष कथा में होचे फ्लक्चुएट कथा कहउछंती तो ताठू बेसी भलो हबो कि गोटे लंबा समय रे पैसा लगेबा म्यूचुअल फंड रे बेसिकली वन टाइम न पकई कि हमें ताको एसआईपी मोड रे करि हबो ओके मास को मास यस एवरी मंथ करिले कोन हम जानछु कि मार्केट सदाले फ्लक्चुएट करे तो एसआईपी रे कोन हबो कि प्रति मास अपन गोटे स्मॉल अमाउंट डिपॉजिट करले तो मार्केट अप रहू डाउन रहू आपन से रुपी एवरेज कॉस्टिंग मेथड तावे यूज हुए तो अब इनकेस मार्केट जेतेले डाउन होबो सेतेले आपन नंबर ऑफ यूनिट्स अधिक मिलिवो जेतेले मार्केट बढ़े आपन पोर्टफोलियो वैल्यू टा एनहांस हुए तो एसआईपी मोड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 टू 5 इयर्स इज सजेस्टेड काई कि आपन एंटायर पीरियड ऑफ मार्केट सेतेले टाइम करचंती तो ये कोन जे सेंटेंस टी म दर्शक मानु पूर्वरु कहली कि दुनिया को म्यूचुअल फंड आसीची ही जटिल को सहज करया पई ये कथाटा कहबा एकदम ठीक हबो कि दर्शक मानु आपन एडवाइस करबे कि एटा आज का डेट रे जते हमरो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू अछि एटा गोटे वन ऑफ द बेस्ट एवेन्यू बेस्ड ऑन इन्वेस्टर रिक्वायरमेंट जनरली कोन अछि गोटे इन्वेस्टर जाकू वर्षे पई पैसा रखेर अछि से इन्वेस्टमेंट कर दोचंती इक्विटी फंड रे तापर कहउचंती कि मते लाभ हलानी काहे कि से 1 ईयर टाइम इज नॉट सुटेबल फॉर इक्विटी फंड तो आपन को अपन जे एडवाइजर अछि ताको तो जने जदी वर्षे के सबले किछ प्लान नबा को चाहतबा ताहाले से जगह आपन को अलग टिके रिस्क नवा न चाहउचंती से जगह आपन डेट फंड्स या लिक्विड कैटेगरी देखि परबे जा भीतर आपन इक्विटी रिस्क नै ता भीतर आपन को इंटरेस्ट रेट टिके ऊपर तले फ्लक्चुएट होबो किंतु जो मार्केट जेतले करेक्शन आसे क्रैश आसे से रिस्क ता भीतर एसोसिएट होबोनी फॉर ए शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम ओके शिक्त बांटिया जो कथा आपन कहउतले जे जहा में कथा होतले जे जेबुल भाबे जटला को सहज करबा कथा हो किबा म्यूचुअल फंड रो रिस्क कथा मार्केट स्थिति खराब कथा सब बेले कह जाए जे जिते अधिका समय निवेश सेते अधिका लाभ ये सतो म्यूचुअल फंड क्षेत्र में एब्सोल्युटली राइट त कारण कोन ता भीतर हम गोटे चक्रवर्ती सुद दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम गोटे छोटा अपन एग्जांपल दो जे भावन तो जने गोटे 2000 रुपीस पर मंथ इन्वेस्टमेंट करले फॉर अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स एज्यूम करंती रेट ऑफ रिटर्न 14% बेस्ड ऑन आवर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से जगह अपन देखिवे कि से गोटे एप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ कॉर्पस बिल्ड अप करि पारिबे किंतु से जगह 30 इयर्स से टाइम फ्रेम कर दोचन से 25 इयर्स से 5 वर्ष टिके कम कर देले से कॉर्पस टा बिल्ड अप हे जो एप्रोक्सीमेटली 40 टू 50 लाख्स तो हम देखलो कि जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट हमरो जस्ट 5 इयर्स कमिला किंतु हमरो जो कॉर्पस जो फाइनल अमाउंट बिल्ड अप होची सेटा फॉल हे गेला बाय 50 लाख्स तो जत्ते अर्ली हम स्टार्ट करलो जत्ते लॉन्ग टर्म करिवो से जगह हमरो पावर ऑफ कंपाउंडिंग टा विटनेस हबो किंतु जदी कोनोसी मुहूर्त रे लागे कि एबे मार्केट रो स्थिति खराब अछि किंतु मोर आगु को आउरी मध्ये 2 वर्ष अछि ताल सेही समय मध्ये पैसा उठै पारिबे आगु को मार्केट रो स्थिति खराब होबा को जाउची एबे बेस भलो अछि तो एबे मु उठै देबे उठै पारिबे एटा सेही जगह रे कोन करि पारिबे फॉर एग्जांपल भाबंतु आपन टाइम फ्रेम अछि 10 इयर्स 8 इयर्स रे आपन देखिले मार्केट भलो अछि 2 वर्ष परे ऊपर नीचे मार्केट हे पारे से जगह रे आपन को इक्विटी फंड रो पैसा को आपन स्विच करि पारिबे डेट फंड को तो आपन को जेते 10 वर्ष परे मार्केट रो पैसा रिक्वायरमेंट हबो सेतले मार्केट अप रहू डाउन रो आपन फरक पड़िबोनी किंकि से स्टॉक मार्केट लाउ लिंक रहिबोनी तो सेटा आपन को जो कॉर्पस बिल्डअप वाला सेटा स्टैग्नेंट रहिबो प्लस आपन जो 2 वर्ष इंटरेस्ट एक्युमुलेट हला सेटा आपन मैच्योरिटी नै पारि लास्ट रिएक्शन शिक्त बांटिया हम रबा को चाहबो जो माने निजर फाइनेंशियल गोल डिसाइड करि सारछंती कि मते एया या अचीव करबार अछि धरि नियंतु जण निजर झियो पोर बाहागर कथा हो तार पाठ पढ़ा कथा हो ड्रीम होम कथा हो एभली किछि गोल रखिछि ताको किभली इन्वेस्ट करबा दरकार केते अमाउंट रे इन्वेस्ट करबा दरकार एवं जहा आपण कोछन हिसाब माध्यम रे कोले भलो किंतु गोटे फाइनेंशियल गोल मध्य किभली रहबा दरकार केते अमाउंट रहबा दरकार जनरली कोआ जाय कि जो आपनकर मंथली इनकम ता 30% शुड बी योर सेविंग सेटा गोटे स्टैंडर्ड रूल था फाइनेंशियल प्लानिंग रो से जगह रे आउ टाइम फ्रेम जेमति आपन कहले कि चाइल्ड एजुकेशन रिटायरमेंट हला मैरिज हला सेटा गोटे लॉन्ग टर्म गोल आम जानचो कि हिस्टोरिकली आपन देखिबे इक्विटी फंड्स रो परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म रे भलो था एज कंपेयर टू नॉर्मल डेट एंड लिक्विड फंड्स तो इनकेस आपन गोल लॉन्ग टर्म अछि आपन इक्विटी बैलेंस कैटेगरी प्रेफर करंतु जो जगह टी शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड गोल से जगह आपन लिक्विड या डेट फंड्स करि परबे जोडा कि भलो ऑप्शन हे पारे अनेक पिल्ला को हमें एमिति एडवाइस मागिबार देखिछु जे समान कॉलेज स्टूडेंट किंतु पॉकेट मनी रो समान सेव करबा स्टार्ट करूछंती एसआईपी करूछंती श्रीयुक्त बांठिया एग्जैक्ट मु एथि पय पछाले कि केते पैसा हम इन्वेस्ट करबा काहे कि एबे धरंतु एमबीए करबार लागुछ 12 लाख आउ 15 वर्ष पर को पळा तो सेते लागुथो 50 लाख रो 70 लाख तो कि भली गोटे गोल डिसाइड केमते करबे ओके मैम वर्तमान जो आपनकर अछि से 15 लाख करंट कॉस्ट ऑफ एमबीए माम भावंतु 15 वर्ष परे सेटा हम 75 लाख कॉस्ट करला सेटा हम फाइनेंशियल गोल तो ता भीतर हम गोटे एसआईपी कैलकुलेटर थाए से कैलकुलेटर आपन कहि परिबो कि आपन प्रति मासो एट एज्यूम रेट भावंतु हम एज्यूम करलो 14% इंटरेस्ट पर न मते जनरेट होबो रिटर्न जनरेट हे पारे तो से हिसाब से कैलकुलेट कहिबो कि दिस इज द अमाउंट आपन को प्रति वर्ष प्रति मासो सेव करिया पड़िबो सो दैट आपन से गोल अचीव करि परिबे तो आजिकली गूगल प्ले स्टोर रे रेडीली अवेलेबल ऐप अछि आपन डाउनलोड करिबे तो श्रीयुक्त बांठिया सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हिसाब रे कोन लोकन को कहिबे कि म्यूचुअल फंड रे समान पैसा लगे पारे रिस्क मध्य एतेटा फैक्टर रहिबो नाही जदी लंबा टर्म अर्थात लॉन्ग टर्म रे लगांते यस लॉन्ग टर्म रे इक्विटी फंड्स आपन को फैंटास्टिक रिटर्न डिलीवर करि पारे किंतु एतला आपन टाइम फ्रेम छोटो अछि आपन लिक्विड फंड डेट फंड्स आउ टिके इन केस आपन टिके रिस्क एनहांस करिया चाहछन तो बैलेंस कैटेगरी आपन देखि पारिबे ओके बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त बांठिया हम से आलोचना करिया पय म्यूचुअल फंड रे एबीसीडी बुझिया पय दर्शक बंधु हम बाबूचो बोधे आज रो ई एपिसोड देखला पर आपण काली ठु म्यूचुअल फंड रे पैसा लगेबा आरंभ कर देबे काहे ना म्यूचुअल फंड रे पैसा लगेबा उभेतर रिस्क हे पारे किंतु जदि लॉन्ग टर्म रे आपण पैसा लगौ छथि तल मोटांकर फायदा भी पाई पारिबे तले बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त बांठिया बिजनेस ओडिसा को इट्रो कुछ अधिक खबर पाई लगन करंता मो वेबसाइट odisatv.in एवं ओडिया रे खबर पढिया चाहतले लगन कर पारबा मो वेबसाइट खबर.odisatv.in नमस्कार।